सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट भारत में लगातार ग्रो कर रहा है। 4 मीटर से छोटी कारों पर कम टैक्स लगने के कारण ये आमतौर पर बजट फ्रेंडली होती है और ऐसा ही टाटा की पंच और रेनो की काइगर के साथ है। टाटा की पंच प्रत्येक महीने औसतन 10,000 से भी ज़्यादा बिकती है, वहीं काइगर की बात करें तो ये भी अच्छी खासी बिकती है। हालांकि उत्पादन बाधाओं के चलते कंपनी इसकी डिमांड है उसके अनुसार सप्लाई अभी नहीं कर पा रही है और ऐसा टाटा पंच के साथ भी है। तो अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही इन दोनों की कीमतें बार बार बढ़ चुकी है, इसके बावजूद अभी भी ये बजट फ्रेंडली कारें मानी जाती है। दोनों कारों की वर्तमान कीमत क्या है और आपको इन दोनों में से किस एक का चुनाव करना चाहिए, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप आसानी से तय कर पाएंगे। सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। दोनों ही कारों की कीमतों में कोई बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क नहीं है, क्योंकि टाटा पंच यदि आप खरीदें तो इसका बेस मॉडल जो प्योर नाम से आता है उसे यदि आप खरीदेंगे तो 5,83,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, 5.83 लाख। वहीं यदि रेनो के काइगर के बेस मॉडल यानी RXE की बात करें तो उसकी कीमत भी 5,84,000 रुपये है। तो एक्स शोरूम प्राइस बेस मॉडल का दोनों का लगभग एक समान है। यदि आप प्योर को रिदम के साथ लेते हैं, रिदम पैक के साथ लेते हैं, तो वो फिर आपको 6,15,000 रुपये मिलेगी। और इसी तरह से यदि दूसरा जो मॉडल है एडवेंचर, उसकी बात करें तो एडवेंचर टाटा पंच है वो 6,65,000 रुपये मिलती है, जबकि रेनो काइगर का जो दूसरा मॉडल है RXL वो 6,73,000 रुपये मिलता है। तो यहाँ भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, कुछ 1,000 यानी कि हम ये मान के चले 7-8,000 रुपये काइगर महंगी है। वहीं ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात करें तो जो एडवेंचर पंच का ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो 7,25,000 रुपये में मिलता है। इसी तरह से यदि अकम्पलिस्ट की बात करें तो अकम्पलिस्ट जो है वो पंच का वेरिएंट है और वो 7,50,000 रुपये में आपको मिलेगा मैनुअल वेरिएंट, जबकि तीसरे नंबर का यदि काइगर का वेरिएंट है वो RXT है और उसका मैनुअल वेरिएंट आपको 7,27,000 रुपये में मिलेगा। कोई बहुत बड़ा फर्क 23,000 रुपये आपको सस्ता मिल जाएगा काइगर यहाँ आते आते। सेकंड टॉप मॉडल है ये, जबकि इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट आप खरीद रहे हैं तो पंच का अकम्पलिश्ड ऑटोमेटिक 8,10,000 रुपये मिलेगा, जबकि काइगर RXT का ऑटोमेटिक वेरिएंट 7,82,000 रुपये में मिलेगा। तो इस तरह से दोनों ही कारों की कीमत में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। यदि आप क्रिएटिव वेरिएंट खरीद रहे हैं टाटा पंच का तो वो आपको 8,32,000 रुपये में मिलेगा, और वहीं क्रिएटिव के ही बराबर का वेरिएंट यानी RXZ आप खरीद रहे हैं तो वो आपको 8,17,000 रुपये मिलेगा काइगर का, और यदि क्रिएटिव पंच ऑटोमेटिक वेरिएंट आप खरीदेंगे तो 8,52,000 में, जबकि काइगर RXZ ऑटोमेटिक खरीदेंगे तो 8,72,000 में। कोई 5-10-20-25,000 से ज़्यादा का फ़र्क आपको इसमें नहीं देखने मिलेगा। टॉप एंड जो वेरिएंट है पंच का काजीरंगा एडिशन क्रिएटिव IRA पैक के साथ यदि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आप लेते हैं तो वो आपको 9.5 लाख रुपये में मिलेगा, जबकि RXZ काइगर यदि आप ले रहे हैं CVT गियरबॉक्स के साथ ड्यूअल टोन कलर के साथ टर्बो वेरिएंट इसमें आता है वो आपको 10,40,000 रुपये मिलेगा। ये थोड़ा ज़्यादा फर्क है और फर्क इसलिए है क्योंकि ये टर्बो इंजन के साथ आपको मिलेगा। काइगर खरीद रहे हैं तो आपके सामने एक और सुविधा रहेगी कि आपको दो तरह के इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और 1.0 लीटर टर्बोरेटेड, जबकि पंच में आपको हाल फिलहाल में 1.2 लीटर का नेचुरली इंजन मिलता है जो 86 BHP का पावर जनरेट करता है, और काइगर का जो 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो 72 BHP का पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो इस तरह से देखें तो यदि आप साधारण इंजन के साथ खरीद रहे हैं और आपको मजबूत इंजन या पावरफुल इंजन चाहिए तो आपको पंच ज़्यादा पावरफुल इंजन देता है। दोनों ही जो गाड़ियां हैं वो 5-speed मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में आती है, हालांकि काइगर में आपको CVT गियरबॉक्स भी मिलता है। इसी तरह से काइगर में 1.0 लीटर का जो टर्बो वेरिएंट मिल रहा है उसमें 100 BHP का पावर और 160 Nm का अधिकतम जो है टॉर्क मिलता है। इस तरह से देखें तो यदि आपको टर्बो वेरिएंट वाला या टर्बो इंजन वाली कार चाहिए तो आप काइगर के तरफ ही आपको जाना होगा, पंच में वो ऑप्शन आपको हाल फिलहाल में नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से दोनों ही कारों की प्राइस कंपैरिजन हमने की और साथ ही साथ इंजन के बारे में जानकारी की। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन दोनों में से हमें कौन सी लेनी चाहिए। देखिए साथियों, कोई भी कार जब हम खरीदते हैं तो हमारी कुछ न कुछ प्रायोरिटी होती है, हमारी कुछ प्राथमिकताएँ होती है कि हमें कैसी कार चाहिए। जैसे कि आपके सामने बजट का प्रॉब्लम है, बजट इशू है, आपको कम बजट में कार चाहिए तो आप काइगर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है या फिर पंच का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उन दोनों में से कोई भी जो आपको पसंद आए जो दूसरे क्षेत्रों में आ गए उसके अनुसार आप ले सकते हैं। पर यदि आपके सामने बजट का कोई इशू नहीं है, आपको एक बेहतरीन गाड़ी चाहिए तो निश्चित तौर से आपको काइगर का जो RXZ मॉडल है, टर्बो CVT टॉप मॉडल है इसका, जो 10.5 लाख में आपको मिलेगा वो सबसे बेहतर साबित होगा। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, बजट इशू नहीं है तो दोनों में से कोई भी का बेस्ट मॉडल आप खरीद सकते हैं यदि बजट का इशू है तो। इसी तरह से यदि सेफ्टी पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए
चाहिए कि जो पंच है टाटा पंच वो सेफ्टी के मामले में काइगर से काफ़ी आगे हैं। पंच को ग्लोबल एनसीएबी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 5। तो निश्चित तौर से ये भारत की सबसे सुरक्षित कारों में से एक मानी जाती है, जबकि काइगर हालांकि बहुत ज़्यादा कमतर नहीं है, इसे भी 4 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 5, लेकिन फिर भी सेफ्टी के मामले में पंच बेहतर रहती है। इसी तरह से फीचर्स के मामले में देखें तो यदि आप दोनों में से दोनों के टॉप मॉडल की आपस में तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं काइगर का जो टॉप मॉडल है वो ज़्यादा आपको फीचर प्रोवाइड करवाएगा। वहीं यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको तो 4-5 साल के लिए कार खरीदनी है फिर इसे बेच देनी है, तो रीसेल वैल्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो आपको एक बेहतर रीसेल वैल्यू वाली कार चाहिए तो निश्चित तौर से टाटा की रीसेल वैल्यू रेनो की कारों से बेहतर है, आपको निश्चित तौर से पंच की तरफ ही जाना चाहिए। साथियों अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है साइज काफ़ी मैटर करती है। कई लोगों को साइज़ में छोटी कार अच्छी लगती है और कई लोगों को साइज़ में थोड़ी बड़ी कार बेहतर लगती है। तो यदि आपको बड़ी कार चाहिए तो निश्चित तौर से काइगर पंच से ज़्यादा बड़ी है, पर आप एक भीड़ भाड़ वाली ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ बड़ी कार को या बहुत बड़ी नहीं है लेकिन इन दोनों की तुलना में आपको एक छोटी कार चाहिए तो आपको पंच की तरफ जाना चाहिए। पंच मामूली छोटी है काइगर की तुलना में। वहीं यदि आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब ये कि आपने कार खरीद ली उसके बाद बार बार आपको सर्विस करानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको रेगुलरली करवानी पड़ेगी। तो उसमें कहीं ना कहीं रेनो की जो सर्विस है वो बेहतर मानी जाती है टाटा की बजाय। रेनो सर्विस के मामले में काफ़ी आगे है अनेक कंपनियों से, आपको रेनो काइगर में अच्छी सर्विस मिल जाएगी। वहीं बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एक मजबूत स्टील का उपयोग हुआ है पंच में और बिल्ड क्वालिटी के मामले में निश्चित तौर से आपको पंच की तरफ जाना चाहिए। और इसी से जुड़ा है एक और बिंदु, वो ये है कि आपको कार जो यदि लंबे समय के लिए चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप खरीद रहे हैं, 10 से 15 साल तक आप इसी कार को यूज़ करने वाले हैं, तो निश्चित तौर से क्योंकि बिल्ड क्वालिटी पंच की बेहतर है, सेफ्टी पंच की बेहतर है और यही कारण है कि आपको यदि लंबे समय तक यही कार यूज़ करनी है तो आपको टाटा पंच की तरफ ही जाना चाहिए। अब जाते जाते इन दोनों के सेल्स फिगर हैं उन पर भी बात करना चाहिए। हालांकि शुरुआत में हमने आपको बताया कि टाटा पंच है वो प्रत्येक महीने लगभग 10,000 या 10,000 से ज़्यादा बिकती है, इवन अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही लगभग 1-2 बार 8,000 के आसपास बिकी है, उसके बाद जो है वो 10,000 से ज़्यादा ही बिकती है और इसकी वेटिंग भी काफ़ी चल रही है। वहीं यदि काइगर की बात करें तो काइगर की जो प्रोडक्शन क्षमता है वो सीमित है, इसके चलते हालांकि कुछ समय तक इसका प्रोडक्शन है वो 3,000 से ज़्यादा था लेकिन वर्तमान में 3,000 से 2,000 के बीच में ये कार बिकती है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग इसे खरीद नहीं रहे, इसका मतलब ये कि जो रेनो की अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सीमित है, जिसके चलते वो डिमांड के अनुसार चाहे ड्राइवर की बात हो या फिर काइगर की बात हो वो इतना सप्लाई नहीं कर पाता। हालांकि ये टाटा के साथ भी है लेकिन टाटा क्योंकि बड़े स्तर पर भारत में जो है वो अपने पैर पसारे हुए हैं और भारत की ही कंपनी है, लिया जा उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बहुत बड़ा है, उसमें हजारों कारें लाखों कारें एक महीने में बनती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय सड़कों पर इन दोनों में से किसी एक कार को आप ज़्यादा देखेंगे तो वो निश्चित तौर से टाटा पंच होगी, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है और लोग इसे पसंद भी ज़्यादा करें। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।